हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास फाइव का जो है चैप्टर नंबर 12 टाइम एंड कैलेंडर, चैप्टर नंबर 12 आपका है टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर चला बेटा। उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में कैलेंडर नकल एंड डीप और वीक ये सारी चीजें बताया गया था कि कैसे जो है आप नकल एंड डीप से आप फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, करेंगे कि किस महीने में, किस मंथ में जो है कितने दिन होते हैं। आपको बताया गया था नकल्स के लिए आप जो है क्या करते हैं, जैसे द मंथ ऑन द नकल्स आर, जो नकल्स वाले मंथ होते हैं आपका जनवरी, मार्च, मई, जून, मई, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, आर तीन मंथ है 31 डेज। आपको इस तरह से नकल्स एंड डीप्स पर बताया गया था। यह आपका नकल्स होता है जो उभरा हुआ हिस्सा है आगे, और यहाँ पर जो गहरा में है जो वहाँ पर क्या होता है, डीप्स होता है। ठीक है, तो नकल्स स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ आप लास्ट नंबर नकल्स होगा, फिर आप नकल्स से पूरा स्टार्ट करेंगे, फिर आप चलेंगे नकल्स डीप्स, नकल्स डीप्स इस तरह से। तो जो नकल्स पे आपका मंथ आएगा वो आपका 31 का होगा, और जो आपके डीप्स वाले मंथ होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा, 30 डेज के होंगे। आपको जो है फरवरी फेब्रुवरी को छोड़ करके, क्योंकि फेब्रुवरी जो है आपका 28 डेज का होता है, और जिस और जो है आपका लीप ईयर में जो है फेब्रुवरी 29 डेज की होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बताया गया था। और वीक्स के बारे में बताया गया था कि देयर आर 52 वीक्स एंड वन एक्स्ट्रा डे इन अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो है 52 डेज होते हैं और वन एक्स्ट्रा डेज होता है एक ईयर में, और एक लीप ईयर में जो है 52 वीक्स होते हैं और एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, टू एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये सब चीज बताया गया था। और जो है आपका एस एस सी ओर सेल 12.4 में आपको फिल द ब्लैंक कंप्लीट करना था ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर फॉर द ईयर 2015। ठीक है, 2015, तो 2015 के अनुसार जो है आपको इस कैलेंडर के अनुसार आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था। इसमें हमने आपको दो क्वेश्चन आपको बताया था बेटा, जैसे पहला था ऑन व्हिच डे ऑफ द वीक वाज न्यू ईयर डे, किस दिन जो है आपका न्यू ईयर, जो आपका न्यू ईयर शुरुआत होता है 1 जनवरी जो होता है आपका 2015, 1 जनवरी 2015 को जो है कौन सा दिन होगा, तो बताया था कि थर्सडे, ये कराया था। और ऑन व्हिच डे ऑफ द वीक डज द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट, सितंबर जो आपका है 2015 में 2015 में किस दिन स्टार्ट होगा, तो आप कहेंगे थर्सडे। ठीक है, वो भी आप सॉरी थर्सडे ट्यूसडे था, ट्यूएसडे भाई ट्यूसडे। ऑन व्हिच डे द वीक डज द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट, सितंबर महीना जो है ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से सेकेंड में आप ट्यूसडे बनेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है आप थर्ड वाले में करा ऑन व्हिच डे इज चिल्ड्रंस डे, तो आपका हो जाएगा सैटरडे। 2015 के कैलेंडर के अनुसार आप इसको फिल करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आप जो है कर लिए होंगे। और आज हम जो है आगे आपका क्या है, कम्युनिटी रिवीजन, कम्युनिटी रिवीजन। इसमें दिया सबसे पहले दिया आपका हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम ए टू बी, राइट द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मिनट, यहाँ पर जो है कि कितना समय जो है मिनट हैंड जो है कितना मिनट जो है क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, मूव हो रहा है, ए से बी तक जाने में जो है कितना समय ले रहा है मिनट है। ठीक है, उसी को जो है आपको राइट इन द बॉक्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ये क्लॉक
ड्रॉ करेंगे बनाएंगे, क्लास आपके पहले क्वेश्चन लिखेंगे हाउ लॉन्ग डज इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मीटर इट टेक फॉर मिनट है टू मूव फ्रॉम ए टू बी, टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी तक जो है जाने में, ए से बी तक जाने में जो आपका मिनट हैंड है वह कितना समय लेता है, कितना समय लेगा, राइट इन द बॉक्स, उसी को जो है आपको बॉक्स में लिखना है, राइट इन द बॉक्स। बच्चों चलिए इससे पहला देखते हैं हम आपका ए का आपका पहला है क्वेश्चन, आपका ये क्लॉक बना हुआ है, देखिए क्या ये क्लॉक बनाया गया, और इसमें जो है 12 या 36 होगा, 3 and 9 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 और यहाँ से हमारा ये जो है आवर एंड जो आपका है वह कहाँ है, 12 पर है, आवर एंड जो आपका 12 पर आपका कितना हुआ है, 12 पर ठीक बेटा। और ये मिनट हैंड जो आपका है, मिनट हैंड जो है मिनट हैंड स्कोर का है 3, मिनट हैंड आपका 3 पर है ठीक बेटा। ये सब तो फिगर बना हुआ है और यह जो आपका यहाँ से यहाँ ट्वेल्थ से लेकर के ट्वेल्थ से आपका कहाँ आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो ये मिरर हैंड जो है कितना समय ले रहा है, ठीक है, यहाँ ट्वेल्थ से यहाँ से लेकर के यहाँ अब लाभ कर दिए उसके और मिरर है टू फ्रॉम के टू थ्री। अभी आपका जब यह मिरर है नंबर ट्वेल्थ का था तो ट्वेल्थ से लेकर के आपका बनता रहा टू फ्रॉम के थ्री पर, इस तरह से बनता है तो वह कितने मिनट जो है समय ले रहा है उस बॉक्स के। ठीक बेटा इस बॉक्स को जो है आपको समय लिखना है, तो आप देख सकते हैं जब ट्वेल्थ से आपका यहाँ पर फिर से है फिर कवर हो जाएगा, फिर टू, फिर आप यहाँ थ्री है, तो यहाँ से वन तक आपको बताएगा था कि इसमें कुल 12 डिवीजन होते हैं, ठीक है, 12 डिवीजन आपने जो है पहले में करता है 12 डिवीजन लॉन्ग डिवीजन, और उसके बाद में डिवीजन ले आके 5 जो है स्मॉल डिवीजन होते हैं, आपने 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहाँ 5 फिर यहाँ 5, मतलब आपको बताया गया था कि जब 1 को रखता है तो 1 को मिनट होगा तो कितना होता है 5 मिनट, ऊपर होगा 10 मिनट और सर थ्री पे होगा आपका 15 मिनट। ये होगा 5 का जो है आपका सॉरी 1 पर 5 मिनट, 2 पे आपका होगा 10 मिनट और 3 पे आपका होगा 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से कितना समय जाएगा 15 मिनट, आप कह सकेंगे 15 मिनट, बॉक्स को क्या होगा आपका
या वो आ गया 15 मिनट। ठीक बच्चों, 15 मिनट इतना समय यह लेगा। समझ गए? याद आप देखेंगे। सेकेंड आप देखिए, एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आप जाए बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका दिया है 1, बिना टाइम का कहाँ पे है, 1 पे है। खींचेंगे और इसमें आप सिंगल ग्राफ के रूप में इसमें आप जो जमा हुए हैं उसके बाद सिक्स के बाद यहाँ पर 3 यहाँ पर 9 छः नंबर आप है 1 2 3 4 5 6 7 9 8। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो है आप देखेंगे जो आवर हैंड है आपका वह 6 पे है, आवर एंड कहाँ पे है 6 पे, और मिनट एंड कहाँ पे आपका 1 पे है। ठीक है, आवर एंड कहाँ पे आवर एंड आपका कहाँ है 6 पे, आवर एंड 6 पे और मिनट एंड कहाँ पे आपका 1 पे। मिनट है ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे दूसरी आंसर क्या है, नीचे आपका बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्टली 6 1 से ए इसमें 12 पर जो है ए लिखा था आपका 1 मिनट। ये 12 की वक्त ये यहाँ पे जो ये नाइन है ये आपका ए पर है, यहाँ का ए पर है। ए पर है और यहाँ जो 3 वाला था ये आपका है आपका जल्द बी पर। ठीक है, तो ए से बी तक ए पर था यहाँ पर है बी तक आने में 5 5 5 यानी 15 मिनट का 15 मिनट का। ऐसे ही आपका ए आपका जो है ए पर है सबसे कहा आपका ए पर बी ए पर है यहाँ पर वाला है ये कहाँ है बी पर ये जो है बेटा आपका कहाँ है बी। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक आने में इससे बी तक आने में जो है कितना समय लेता है उसको आपको उस टाइम को आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे आपका दिया है 5 से है सॉरी 1 से है तो 1 से आपका यहाँ से आपका 2 पे 5 हो जाएगा, 2 पर आएगा तो 5 फिट होगा, तो 10 15 5 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
होता, लेकिन आपका पास्ट जो है 5 मिनट का क्या हुआ, पास्ट हो गया है, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट 5 का मतलब हो जाएगा 25। या फिर आप कह सकते हैं इन द 25 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, वाह।
फाइव टाइम्स फाइव मिनट होंगे, फाइव टाइम्स फाइव मिनट और कितना होगा 25, कितने मिनट होंगे 25 मिनट। यदि वन से ए से लेकर के ए से आपका ए से बी तक जाने जो है यह 35 मिनट का जो है हमें लेगा मिनट के, ठीक है। इसको आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला आप देखेंगे ये आपका दिया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द आवर हैंड टू मेक। अब यहाँ पे पहले में आपका मिनट एंड था, अब यहाँ पे क्या है आवर एंड है, ठीक है। पहले में मिनट एंड का था, अब सेकेंड जो आपका बी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इसमें आपका आवर एंड का बात होगा। बी आपका है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द आवर हैंड, आवर हैंड टू मेक, ये दिया गया हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर आवर एंड टू मेक। यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाफ कर आवर हैंड जो क्या कर रहा है हाफ कर होगा है आवर कर होगा है या फिर वन बाई टू टर्न। हाफ कर आधा चक्कर या फिर कर सकते हैं वन बाई टू टर्न यानी हाफ आधा चक्कर, दोनों मतलब क्या है आधा चक्कर। तो क्या हो जाएगा आपका कितने समय लगा बेटा यहाँ से आधा चक्कर करने में देखिए लिखा है बनाएंगे और क्लॉक हमने दिखाया आपका और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आपका दिख रहा है 3 से 9 अगर आवर है आपका 3 पर किस एंड का चलता आवर आवर एंड का है अगर 3 पर आवर एंड का 3 पर समझे ये आवर एंड का है 3 पर है और जो घूम करने कहाँ आ गया 9 पर जब घूमते हुए यहाँ से इस तरह से घूमते हुए आ
12 आवर अब क्या हो गया है, राउंड हो गया, टर्न हो गया, घूम गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये घूमते हुए आपका आवर घूमते हुए 60 मिनट के बाद, 7 घंटे के बाद फोर पे आएगा, फिर 2 घंटे के बाद 5 पर 6 पर 7 8 9 का घंटा कहाँ पहुँचेगा, ये आपका 9 पर। तो वो कितना समय लगा बेटा, 6 आवर का, ठीक है। क्लियर बेटा, यह जो है 6 आवर का समय लेगा, समझ गए, कितन कर सकते हैं। और तो आज एक फिगर और देख लीजिए, इसमें एक और करा 1/4 टर्न, सेकेंड में क्या कर रहा है 1/4 टर्न, इसमें अपना क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 1/4 का क्वेश्चन नंबर 2 है 1/4। तो इसमें आप देखिए एडोग्राफ से जो है 12 से लेकर 3 तक दिया है, ठीक है, क्या लिखे बेटा 3 आवर्स। इस तरह से जो है आप सॉल्व करेंगे, मिनट है, और फर्स्ट में आपका मिनट एंड सेकंड था, और सेकंड क्वेश्चन में आपका जो था बी में आपका आवर है, ये आपका आवर है, आवर है, ये आपका आवर है, ये आपका आवर है।
ठीक है। इस तरह जो है आप दो क्वेश्चन बना देंगे, इसमें थ्री और फोर बचा हुआ बेटा, थ्री और फोर, फर्स्ट ए वाले में एक क्वेश्चन बचा हुआ था और बी वाले में दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन दोनों को बचे हुए क्वेश्चन को आप होमवर्क ग्रुप में इसी प्रकार जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे आपका सी दिया है, राइट ड्यूरिंग क्लास द टाइम दैट इज 10 मिनट लेटर दैन, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, एंड टेक केयर।